Hi everyone, good morning and welcome to my channel. Happy Mahashivratri to all of you. भगवान करे आप सब लोगों की लाइफ बहुत ही अच्छी चले और हमेशा खुशियाँ बनी रहें एंड सबकी हेल्थ बहुत अच्छी रहे. सो यस, आज मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है सुबह से. मैं उठ गई थी आज 7 o'clock पर उठ गई थी क्योंकि कल हम लिटरली बहुत जल्दी सो गए थे. 9:45 पे वी आर ऑन बेड और 10 बजे तक तो मुझे लगता है मेरी नींद भी लग गई थी क्योंकि जल्दी उठते हैं ना तो जल्दी सोने की आदत भी हो गई है तो अच्छी हैबिट डेवलप हो गई है. इन शॉर्ट तो सुबह 7 o'clock पे ऑटोमेटिकली नींद खुल जाती है. तो अभी कुछ नहीं, फटाफट से आज हम लोग शार वगैरह लेंगे और आज तो खाना बनना नहीं है बिकॉज विक्की और हम दोनों का फास्ट है. आज हम फास्ट रखने वाले हैं तो साबूदाने की खिचड़ी वगैरह बनाएंगे. तो अभी जस्ट मैंने उनको सोक करके रखा हुआ है पानी में, मैं रात भर सोक करना भूल गई थी तो थोड़ा लेट बनाऊंगी फिर तो. एंड यस, छोटे मोटे जो काम होते हैं घर के वही सब अभी काम हो रहे हैं. ऐसा आप लोगों के साथ भी होता है कि कपड़े वॉश तो आप लोग फटाक से कर देते हो बट ये जो इनको सॉर्ट करने वाला होता है ना इसमें मेरे तो तीन दिन लग चुके हैं. मतलब थर्ड जो फर्स्ट डे था जब मैंने वॉश किए थे उससे लेकर के आज थर्ड डे है और तब जा करके इनकी घड़ी हुई है और अब इनको मैं सॉर्ट करूंगी. मुझे ये करने में बहुत आलस आता है. मतलब की जा रहा है अभी शार लेने के लिए और उसके बाद मैं जाऊंगी. तो यस, लेट्स स्टार्ट द डे. एंड अभी आई जस्ट अप्लाइड लॉट ऑफ दही ऑन माई हेड. ओनली दही लगाया सिर्फ दही लगाया मैंने अपने बालों में क्योंकि बहुत सारा पड़ा हुआ था और वो वेस्ट हो जाएगा इसलिए मैंने अपने बालों में लगा लिया है. 8:45 हो गया है. एक्चुअली आई वॉज जस्ट बिजी, आई वॉज टॉकिंग टू अनन्या, शी इज इन मुंबई राइट नाउ. तो हम लोग मिल नहीं पाए हैं और हम लोग वही सब बात, एक घंटा तो ऐसे ही चला, फ्रेंड को फोन लगा लो तो एक घंटा अब ऐसे ही चला जाता है. मेरे किसी भी फ्रेंड से अगर मैं बात कर रही हूँ तो आप ये मान के चलो कि 30 मिनट्स तो मिनिमम है, मैक्स तो फिर वो अनलिमिटेड है. तो अभी हम लोग का एक घंटा हम लोग वही सब डिस्कशंस कर रहे थे, फिर आकर के आपसे मिलती हूँ. और ये भी काफ़ी ड्राई हो चुका है. तो So I just took shower and skipped my face wash. So I'm going to show you that what I'm using for my face wash. This is Mama Earth Vitamin C foaming face wash. इस फेस वॉश की खास बात यह है कि इसमें जो ये सॉफ्ट सिलिकॉन ब्रश दिया हुआ है जिसकी वजह से जो क्लीनिंग है वो बहुत ही ज्यादा इजी हो जाती है. इसके जो की इंग्रीडियंट्स हैं वो है विटामिन सी, टर्मरिक, क्यूकम्बर एंड एलोवेरा. तो ये आपकी स्किन को डीपली क्लेंस करता है, नेचुरल इंग्रीडियंट्स के थ्रू बना है, आपकी स्किन को ब्राइटन अप करता है एंड दिस इज सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप. ये आप इसे फेस वॉश करने के बाद आपका जो स्किन है वो काफी ग्लोई लगने लगता है. आफ्टर फेस वॉश मैं यहाँ पर यूज करूंगी विटामिन सी फेस क्रीम विद विटामिन सी एंड एसपीएफ 20 फॉर स्किन इल्यूमिनेशन. तो इसके जो की इंग्रीडियंट्स हैं वो है विटामिन सी, नियासिनेमाइड एंड कॉमन पर्सलेन. ये आपकी स्किन को सन प्रोटेक्शन देता है, रिपेयर करता है एंड ब्राइटन अप करता है. दिस इज ऑल्सो सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप. सो मामा अर्थ इज ऑल अबाउट गुडनेस. आप जब भी मामा अर्थ की वेबसाइट से मामा अर्थ का कोई भी प्रोडक्ट परचेस करेंगे, मामा अर्थ विल लिंक योर ऑर्डर ऑन अ वेबसाइट टू अ ट्री दैट दे प्लांट. तो इसके पीछे का कंसेप्ट यह है कि आप जब भी मामा अर्थ की वेबसाइट से कोई भी मामा अर्थ का प्रोडक्ट परचेस करेंगे तो अपार्ट फ्रॉम हैविंग अ गुड प्रोडक्ट आप प्लानेट को भी कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं. मामा अर्थ इज अ टॉक्सिन फ्री ब्रांड. ये कोई भी तरह के हार्मफुल टॉक्सिन्स या किसी भी तरह का केमिकल यूज नहीं करते हैं. ये नेचुरल इंग्रेडिएंट्स अपने प्रोडक्ट्स को बनाते हैं और स्क्रीन पर दिया कूपन कोड अगर आप यूज करेंगे यू विल गेट एक्स्ट्रा 20% ऑफ एट मामा अर्थ की वेबसाइट पर. मामा अर्थ के जितने प्रोडक्ट्स यहाँ अवेलेबल हैं अमेजन, नायका और mamaearth.in पर, लिंक सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए रहेंगे, चेक जरूर करिएगा. एंड अब हम फटाफट से चलते हैं पूजा करने के लिए. अभी एक्चुअली हमारी जो हेल्पर है ना उसका आने का टाइम हो गया है तो लेट्स सी कि हम अभी मंदिर जाते हैं या शाम को 4:30 बजे जाते हैं. लेट्स सी. तो अभी जस्ट मैंने अपना जो बेडरूम डेकोर है वो वाला वीडियो लाइव किया है एंड अब मैं बनाना स्टार्ट करूंगी फलहार, मतलब जो खिचड़ी होती है. कर देते हैं, बहुत खटपटर कंस्ट्रक्शन की आवाज़ आती है. ऑल दो वो 12-1 बजे कंस्ट्रक्शन जो है यहाँ का बंद हो जाता है क्योंकि बहुत तेज़ आई गैस धूप हो जाती है इस वजह से. तो यस, आज मैं पूरी तरह से तैयार हो गई हूँ क्योंकि शंकर जी की शादी है भाई. सो फटाफट से ये पहले ऑर्गेनाइज कर लेते हैं देन फिर खिचड़ी बनाऊंगी. तो ये जो साबुदाने हैं ये मैंने पहले ही सोक कर दिया था इनको पानी में तो ये हो चुके हैं सॉफ्ट ना. तो अभी ना मैं यहाँ पर ये जो दाने हैं इनको मैंने सेक लिया है और इसको मैं छील रही हूँ और सामने आप देख रहे हो मेरा आईपैड रखा हुआ है और यहीं पर मैं अपना वीडियो देख रही हूँ जो मैंने बेडरूम मेकओवर डाला हुआ है. एंड आई नोटिस्ड कि मैंने कम से कम 500 बार हर एक चीज़ के लिए मैं पता है क्या बोल रही हूँ, बहुत ही ब्यूटीफुल सा ये है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा ये है. अगर आपने नोटिस किया ना तो मुझे बताना कि आपने नोटिस किया और नहीं नोटिस किया तो जा करके देखना. मैंने कम से कम 500 बार मैं एक छोटी सी चीज़ के लिए भी यही बोल रही हूँ
मुझे लग रहा था कि कोई भी नोटिस करके बोलेगा, पर किसी ने कमेंट में ऐसे डाला नहीं कि मतलब मैंने इतनी बार ये बोल लिया है। तो बस यही है, अभी फटाफट से मैं ये जो दाने हैं ना इनको छीलती हूँ और फिर मैं रेसिपी रिकॉर्ड करूँगी। और यहाँ पर विक्की तब तक साबुदाने के जो पापड़ है वो तल रहा है कूद कूद के। ये देखो ऐसे इतने डिस्टेंस में ये साबुदाने के पापड़ तल रहा है। हमारी जो खिचड़ी है वो बनके ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, तो अब हम लोग खाते हैं, फलहार करते हैं एंड देन फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो क्योंकि मैं मंदिर जा रही हूँ तो मैं अभी सूट पहनने वाली हूँ, एंड सूट में भी मैं ज़्यादा सूट तो लेकर के आई नहीं हूँ। जो मैंने जब खरीदे थे ना दिवाली के टाइम पे काफ़ी सारे कॉटन के सूट, मैं सिर्फ 2-3 सूट लेकर के आई हूँ। उसमें से मैं एक सूट अभी निकाल करके पहन लेती हूँ। नमो नमो जी शंकर, आई एम गोइंग टू वेयर दिस वाइट एंड येलो। एंड हम लोग यहाँ आसपास मंदिर नहीं जाएंगे, थोड़ा आगे वाला मंदिर जाएंगे जहाँ पर क्राउड भी कम होगा एंड आराम से वहाँ पर हम लोग पूजा भी कर पाएंगे। सो या लेट्स गो। तो बिल्कुल बेसिक जो है मेकअप करने वाली हूँ मैं, कंसीलर लगाऊंगी, थोड़ा सा यहाँ पे एंड थोड़ा इधर पे, दैट्स इट। रेडी और हम लोग जा रहे हैं मंदिर के दर्शन करने के लिए। एक्चुअली हम जहाँ पर जाने वाले थे उसका हमको भी पता चला कि वो बंद रहता है, बंद रहता नहीं है, बंद कर दिया गया है बिकॉज ऑफ कोविड। बहुत सारे लोग पहुंच गए थे एंड बाय द वे आई एम लुकिंग वेरी वेरी गुड। हाँ अच्छी लग रही हूँ मैं कैमरे की स्क्रीन पर, बताऊँ मैं क्या करूँ, इतनी खूबसूरत हो, बताऊँ मैं क्या करूँ। विक्की तो कॉम्प्लीमेंट दे नहीं रहा, आप लोग जब कॉम्प्लीमेंट दोगे उसको ऑलरेडी 3-4 दिन हो चुके होंगे, तो अभी खुद को खुश करने के लिए खुद तो कॉम्प्लीमेंट दूँ ना, कितनी अच्छी दिख रही हूँ। अरे एक्चुअली मैं जेन्युइनली अच्छी दिख रही हूँ मैं। तो इंडिया जेरे टेम्पल और हम लोग बिल्कुल हमारे घर के बहुत पास में इनको एक हिडन टेम्पल मिला है जो कि थोड़ा अंदर अंदर जा करके है। तो हम लोग अभी जस्ट यहाँ पर आए थे पीछे ही एंड इतनी अमेजिंग पिक्चर्स क्लिक करी है। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते देन मेक श्योर यू आर फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम बिकॉज मैं वहाँ पर सारी जो पिक्चर्स है ना वो अपलोड करूँगी। एंड लुक एट द व्यू, पीछे का व्यू भी बहुत सही है। ये हमारे सोसाइटी में ही एक दूसरा तरफ का एरिया है जहाँ पर हम आए हैं। अब हम लोग आ गए हैं वापस से हमारे आशियाने में, मतलब अपने घर जा रहे हैं। हम लोगों ने जो मंदिर सोचा था वहाँ तो एक्चुअली हमको अच्छा वो पता चल गया पहले ही नहीं, तो वो काफ़ी दूर है, मतलब यहाँ से काफ़ी दूर है, आराम से 7-8 किलोमीटर्स है एंड आधे में ट्रैफिक मिलता वो अलग, क्योंकि विक्की की कॉल है 5 बजे से। और अदरवाइज नहीं, हमने तो हमारे फ्रेंड्स को भी पूछते अगर विक्की का कॉल नहीं होता ना, और आज वीकेंड होता तो हम हमारे फ्रेंड्स को भी लेके जाते, बट फिर अभी हम लोगों को जाना तो हम फटाफट से होकर के आ गए हैं। और जो इतना तैयार हुई हूँ मैं, चलो 3-4 फोटोज तो अच्छे क्लिक हो ही गए। सो अब मैं ऊपर जाती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। हे गाइस, सो एक्चुअली अभी मैं ना एडिटिंग कर रही थी और एडिटिंग करने का मेरा लिटरली इस मंथ मेरा काम करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। ऐसा लग रहा है मैं थोड़ा ब्रेक ले लूँ, आई नीड अ ब्रेक, बहुत थक गई मैं काम करके। मैं अप्रैल में पक्का थोड़ा कम काम करूँगी, मतलब थोड़ा कम ब्रांड्स वाला काम लूँगी और थोड़े कम वीडियोज़ बनाऊँगी, ऐसा मैं सोच रही हूँ। आई डोंट नो, हो सकता है मेरा मन उल्टा हो जाए और ज़्यादा करने लग जाए। तो अभी कुछ नहीं, मैं बस बैठ करके फ्री हुई हूँ और अभी बज रहा है 9 बजे और मुझे ऐसी नींद आ रही है कि बस मैं सो जाऊँ। और ये रहा विक्की, ये अपनी पता नहीं कौन सी तो भी एल्गोरिथम सोच रहा है। क्या सोच रहे हो? ये अपनी एल्गोरिथम सोचते सोचते सो भी जाता है, गहरी निद्रा में चला जाता है, फिर उसको मुझे उठाना पड़ता है। अब उठाया फिर वो अपना
रोबोट की तरह काम करने लग गया है, एल्गोरिथम सोच रहा है पता नहीं कौन सी गहन चिंतन में। तो यस, अब मैं आप लोगों से डायरेक्टली मिलती हूँ कल। हाई एवरी वन, गुड मॉर्निंग, एंड आज है सैटरडे। मैंने एक्चुअली कल कोई व्लॉग नहीं किया था बिकॉज आई वॉज बिजी इन एडिटिंग। एडिटिंग वाले डे में मैं आपको क्या ही दिखा सकती हूँ, मतलब उस दिन मैं सिर्फ एडिटिंग करती हूँ। यूजुअली मैंने आपको बता के रखा है कि मैं फ्राइडेज को ऑफ लेती हूँ, बट कल मैं ऑफ नहीं ले पाई क्योंकि कल मुझे काफ़ी ज़्यादा काम था, तो इसलिए कल मैंने कुछ भी ऑफ नहीं लिया है। आज मैंने डांस किया है, मेरे को इतना अच्छा लग रहा है कि मैं आपको क्या बताऊँ। गर्मी बहुत लग रही है पर बहुत अच्छा लग रहा है। सैटरडे है तो एज़ यूजुअल आज विक्की की ड्यूटी रहती है। अभी थोड़ा सा रूम ये वाला फैला हुआ पड़ा है, ये मैंने अपना नया वो खरीदा है, नया रग खरीदा है। इट्स लाइक अ दरी ओनली, कॉटन का है, एंड इसका कलर देखिए कितना अच्छा है, काफ़ी दिन से यहीं पड़ा हुआ है, तो इसको भी सॉर्ट करती हूँ कि कहाँ पे रखना है। एंड या हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने दिन से। और जो टीनू ने हम लोगों को विक्की को गिफ्ट दिया था वो मैंने यहाँ पर रख दिया है, तो यहाँ पर ना पूरे अच्छे से बचता है हॉल में। सो अभी मैं कर रही हूँ क्लीनिंग, हस्बैंड इज़ कुकिंग, तो वो कुकिंग इसलिए करता है आज ताकि मैं उसके लिए उसको ड्यूटी रख दे के रखती हूँ, ताकि आज मैं थोड़ी डस्टिंग कर सकूँ। घर थोड़ा गंदा हो जाता है, एक हफ्ते में बहुत गंदा हो जाता है, तो अभी मैं थोड़ी सी डीप क्लीनिंग करूँगी विथ सनम के सॉन्ग्स इन द बैकग्राउंड, और ओ माई गॉड मज़ा आ जाता है। ये प्रोसेस इज़ वेरी थेराप्यूटिक क्लीनिंग की, जो गंदगी दिखती है और फिर घर क्लीन होता है और पीछे सनम के सॉन्ग्स चलते हैं। आई नो इट्स वियर्ड बट आई लव इट। जचता ही नहीं आँखों में कोई, सो इट्स इवनिंग। एक्चुअली आज सैटरडे है और अभी शाम हो चुकी है। एक्चुअली आज भी मैंने कुछ किया नहीं। हम लोगों को सुनने में आया था कि आज 13th of March है, एंड 13th of March से 31st of March थाने में कुछ 16 हॉटस्पॉट्स हैं जहाँ पर लॉकडाउन है, एंड उसमें से एक जो सोसाइटी का नाम है वो हमारी सोसाइटी है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बहुत रिस्क है, जैसे अभी जिस बिल्डिंग में मैं रहती हूँ उस बिल्डिंग में तो एक भी केसेस नहीं है। यहाँ पर 20 फ्लोर्स की बिल्डिंग है, यहाँ पर एक भी केसेस नहीं है। अब ये सोसाइटी इट्सेल्फ बिग सोसाइटी तो होगा कहीं इधर उधर, तो शायद, और इन हमारी जो सोसाइटी है जिसमें हम रहते हैं ना, इसमें अंदर ही मार्केट है तो काफ़ी लोगों का आना जाना भी है, बट मुझे अभी देख करके ऐसा कुछ लग नहीं रहा है लॉकडाउन टाइप से, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सब कोई अपना नॉर्मल जैसा है वैसे ही रह रहे हैं, सो आई डोंट नो लॉकडाउन है कि नहीं है, क्या चल रहा है, क्लियर पिक्चर क्लियर नहीं है। तो चूंकि ये शाम, तो मैंने ना आज इतनी अच्छी हवा चल रही है, और आज ईस्ट वेस्ट वाली जो हवा है ना वो चल रही है, तो यहाँ ऊपर तो बहुत अच्छी हवा आती है। जितना जल्दी ये रूम गर्म होता है उतना जल्दी ये ठंडा भी हो जाता है, तो 5:30 पे मैं जब सारी विंडोज़ और सब खोल देती हूँ ना, तो ये आराम से काफ़ी वेंटिलेट हो जाता है एंड काफ़ी ठंडा हो जाता है। तो मैंने ना यहाँ पर कुछ भी लाइट्स ऑन नहीं करी हुई है, सिर्फ मैंने यहाँ पर कैंडल जला दिया है, वहाँ ही कैंडल रखा हुआ है, उसके बाद ये लैम्प जलाया हुआ है, वो मैंने जलाया हुआ है जो लव है, यहाँ पर एक कैंडल है, ये तो एक्चुअली बहुत ही पुरानी होगी तो मैं सिर्फ इसको ख़त्म करने के चक्कर में इसको ऑन रखती हूँ, एंड यहाँ डाइनिंग टेबल पर कैंडल जला के रखा और ये वाली लाइट जल रही है, उसके अलावा कोई और लाइट नहीं चल रही है, एंड लुक एट दैट, काफ़ी अच्छा लग रहा है। सी दिस, हमारा सस्ता सिंगापुर। एंड आप सोचो इतनी गर्मी में कोई भी फ़ैन नहीं चल रहा है, मैं बिना फ़ैन के बैठी हुई हूँ। मतलब जब मैं डोर ओपन कर देती हूँ ना, और ये पीछे वाला जो डोर है वो जो सेफ्टी डोर है, सेफ्टी डोर, और जब मैं ये वाली विंडो ओपन कर देती हूँ ना, तो अच्छी खासी जो एयर है वो वेंटिलेट होती है और रूम में आप बैठ सकते हो, मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं लगती है। एंड ऑल्सो एक और चीज़ मुझे आप लोगों से बात करनी है, दैट समवन हैज़ कमेंटेड मी इन द कमेंट सेक्शन कि सारे जो भी इन्फ्लुएंसर्स हैं जो अपने कपड़े दिखाते हैं, क्या ये सही है कि वो लोग अपने कपड़े हॉल वीडियो बनाने के बाद वापस कर देते हैं, बिकॉज उन लोगों के सबके इन्फ्लुएंसर्स के जो जब वो हॉल बताते हैं तो उसमें टैग्स लगे होते हैं। नाउ आई डोंट नो अबाउट अदर्स, बट लेट मी टेल यू फ्यू थिंग्स, मैं इन बिहाफ ऑफ अदर यूट्यूबर्स की भी बात करूंगी क्योंकि मुझे पता है कि जैसे मैं इस तरह से काम कर रही हूँ, तो आई एम श्योर ये पॉलिसी उन लोगों के लिए भी वर्क करती होगी। नाउ सपोज आई एम डूइंग अ हॉल ऑफ, नाउ व्हाट दे डू इज दे डोंट गिव मी अ कैश अमाउंट, दे नेवर गिव मी अ कैश अमाउंट। मैं 2 साल से जिमामे के साथ काम कर रही हूँ, कभी भी मुझे एक अमाउंट नहीं देते हैं शॉपिंग करने का, वो मुझे बजट बता देते हैं, देन दे गिव मी देंगे वो प्रोमो कोड दे देंगे कि अब आपको इसमें से शॉपिंग करना है, 7,000 की शॉपिंग का वो प्रोमो कोड दे देंगे कि आपको इसमें से शॉपिंग करना है, 5,000 की शॉपिंग का वो आपको प्रोमो कोड दे देंगे कि अब आपको इसमें से शॉपिंग करना है। अब वो जो प्रोमो कोड होता है ना, आप उसमें इनफैक्ट रिटर्न भी करते हैं ना कोई चीज़,
कि आपने कोई चीज रिटर्न कर दिया, आप सोचो अब इसके बदले में आप कुछ और मंगवा लोगे, ये भी उन लोगों को पता चल जाता है। वो लोग मुझे अमेजन वाले यूजुअली मुझे वाउचर्स देते हैं, अगेन सेम थिंग, प्रोमोज, प्रोमो नंबर मिलता है पूरा। अगर मुझे 10,000 की शॉपिंग का है तो 10,000 का मुझे वो वाउचर कोड देंगे, वो मुझे कैश नहीं देंगे। सब ब्रांड के साथ यही सेम पॉलिसी चलती है, कोई भी ब्रांड इतना ईजी गोइंग नहीं है। हाँ मैडम, आप प्रोडक्ट दिखाइए और उसके बाद आप रिटर्न कर दीजिए, इतना ईजी गोइंग कोई ब्रांड नहीं होता है, आपको प्रोडक्ट्स रखने पड़ते हैं। दैट्स वॉट, ये इतना जो सामान जो मेरे कपड़े भर गए हैं ये इसीलिए भरे हुए हैं क्योंकि वो कपड़े हमको रखने पड़ते हैं, और मैं इसलिए डिस्ट्रीब्यूट भी बहुत करती हूँ। इधर इट्स क्लोथ्स, इधर इट प्रोडक्ट्स, कोई सी भी चीज़ होती है वो हमको रखनी ही पड़ती है, ठीक है। एंड कितनी सारी बार मैंने ये चीज़ बोला हुआ है कि आप ये वाला टॉप मेरे अमेजन हॉल में देख सकते हैं, ये वाली जो ओनली की जीन्स है ये मैंने मिंत्रा हॉल में दिखाई थी, ये वाला जो मेरे शूज़ हैं मैंने इस हॉल में दिखाया था, अगर मैं ऑनलाइन ले रही हूँ तो इट्स ओके, पूछना सबका काम है। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो आई डोंट थिंक सो कि कोई भी इन्फ्लुएंसर ऐसे कर पाता होगा, अगर वो ब्रांड के साथ कोलैबोरेट करके कर रहा है तो इस तरह से कोलैबोरेशंस जो है वो वर्क करते हैं। वन गुड मॉर्निंग, आज है संडे, आज मैं बनाने जा रही हूँ पानीपुरी के साथ रगड़ा, फुलकी रगड़ा, जो नहीं पानीपुरी रगड़ा मुंबई स्टाइल वाला। यूजुअली हम लोग कैसे खाते हैं पानीपुरी, नॉर्मल जो बॉयल आलू होता है वो उसके ऊपर मसाला डाल के एंड उसमें अनियन वनियन डाल करके एंड ऐसे हम लोग खाते हैं, जो यूजुअली एमपी स्टाइल चलता है। बट मैंने जब लास्ट यहाँ पे रगड़ा के साथ पानीपुरी खाया था तो मुझे काफ़ी टेस्टी लगा था, एंड मेरे को कल क्रेविंग आ रहा था कि मुझे रगड़े वाला पानीपुरी खाना है, तो मैंने कहा यार वहाँ जाकर के, इतना एक्सपेंसिव है वो, 45 रुपीज़ की 6 देता है और जी भी नहीं भरता है, सच बता रही हूँ। 2 प्लेट 3 प्लेट कितनी खाओगे आप, और फिर बाहर की तो थोड़ा डर भी लगता है खाने में, तो इसलिए मैंने कहा कि घर पे बना करके देखते हैं, अगर अच्छी बन गई तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज वापस वो आलू वाले मसाले के साथ खाने लगेंगे। हाँ, तो मैंने 2-3 लोगों के रेफरेंस के लिए वीडियोस देखे क्योंकि मुझे नहीं आता था रगड़ा बनाना, तो एक तो मैंने रणवीर ब्रार जो शेफ है उनका देखा, और 2 मैंने एकदम रैंडम जो वीडियोस नहीं होते हैं उन्होंने प्रॉपर स्ट्रीट स्टाइल वाले स्टाइल में, मुझे उनका नाम नहीं पता है दोनों का, तो ये तीन चार मैंने वीडियोस देखे, और फिर अब मैं अपने हिसाब से मिक्स एंड मैच करके बनाऊंगी कि मुझे किसका ज़्यादा चटपटा एंड टेस्टी दिख रहा था, मतलब इन शॉर्ट मुझे लगा कि हाँ ये ज़्यादा टेस्टी होगा, तो उसके अकॉर्डिंग बना रही हूँ मैं। यहाँ पर मैंने जो वाइट ये होता है ना, वाइट मटर जो होती है वो लिया है, एंड उसको मैंने बॉईल कर दिया है, ओवरनाइट सोक किया था और बॉईल हो गया है। अभी यहाँ पर जो पोटैटोज हैं वो हम लोग बॉईल करने के लिए डाल देते हैं। यहाँ पर मैं बना रही हूँ चटनी, हरी चटनी, तो यहाँ पर मैंने डाला हुआ है धनिया, उसके बाद टमाटर, पुदीना, ये है हरी मिर्ची, एंड दाने डाले हुए हैं, एंड साथ में काला नमक एंड भुना जीरा। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है, यहाँ पर अनियंस को थोड़ा सौते किया है, ये बॉईल जो पोटैटो हैं वो है, एंड साथ ही साथ जो मटर है वाइट मटर वो थी। यहाँ पर हम थोड़ा बहुत मसाला ऐड करेंगे, वही हल्दी, मिर्ची, धना पाउडर एंड जो पंजाबी मसाला होता है वो, एंड उसके बाद मसाला थोड़ा सा जब हो जाएगा तब यहाँ पर ग्रीन चटनी मिलाना है, एंड ग्रीन चटनी मिलाने के बाद जो हम लोगों ने पोटैटोज एंड इसका जो पेस्ट बनाया था उसको हम इसमें ऐड कर देंगे, एंड थोड़ा सा वाटर ऐड कर देंगे, एंड बहुत सिंपल है, सॉल्ट वगैरह ऐड कर देना है एंड बस थोड़ा सा कुक करना है, आपका जो रगड़ा है वो रेडी हो जाएगा। जो है वो सब बन चुका है, ये है पानी पूरी, दिस इज़ ओनली मार्केट मेड, बाकी सब होम मेड है। ये है उसके बाद हरी चटनी, ये इमली की चटनी, एंड ये हमने शॉट्स लगाने के लिए रख दिए हैं, ये रगड़ा है, ये पानी है, ये दही है, ये सेव है, ये अनियंस है। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड, साथ में शॉट्स लेते हैं। सो ये है हम लोगों का ग्लव्स एंड 1, 2, 3 cheers. सो जस्ट कट टू दिस पार्ट, आज मैं अभी एडिटिंग कर रही थी बैठ करके, एंड आज के दिन, आज टुडे इज माय एडिटिंग डे, और ये वाला जो वीडियो है ये मैं आज ही एडिट कर रही हूँ, कल ही अपलोड कर दूंगी। सो बेसिकली क्या हुआ ना कि आज जब मैं एडिटिंग कर रही थी तो आई वाज जस्ट स्क्रॉलिंग थ्रू माय
फ़ोन एंड आई गॉट दिस वीडियो ऑफ अ गर्ल एंड अ बॉय, गाड़ी वाला जो काफ़ी वायरल हुआ है, जिसमें एक बंदा एक लड़की को बिल्कुल ऑलमोस्ट टक्कर करने वाला होता है एंड देन लड़की जो शोज हर मिडिल फिंगर एंड देन वो छोड़ा जो भी ये लोग सीन क्रिएट करते हैं पेज है जिस पेज में वो वीडियो था, तो मैंने देखा एंड देन आई शेयर इट एंड मैंने ऊपर टाइटल में लिखा कि व्हाट द हेल इज रॉन्ग विद दिस जनरेशन, एंड मुझे ये पता ही नहीं था कि वो पूरा वीडियो स्क्रिप्टेड एंड फेक है। ठीक है, मुझे मेरे 2-3 सब्सक्राइबर्स ने बताया कि अरे ये वीडियो, ये तो पूरा कंट्रोवर्शियल वीडियो है, ये फेक है, वो है। मैंने कहा शिट, फिर मैंने वो वीडियो डिलीट किया एंड लिटरली आई वाज थिंकिंग कि व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन इंटरनेट, चल क्या रहा है इंटरनेट में, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लोग अपना सिंपथी वीडियो बनाने के चक्कर में बिल्कुल मतलब क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, व्यूज़ के लिए, लाइक्स के लिए, फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए, क्या गंदगी चल रही है ना, कि अब जो एक्चुअली में रियल विक्टिम कभी आकर के कुछ सामने रखेगा भी ना, तो लोग ट्रस्ट करने में सोचेंगे। जैसे कि अभी हमने ये डिलीवरी बॉय वाला केस देखा, क्या बंदी ने प्ले किया है, मतलब किस तरीके से उसने पूरा पोर्ट्रे किया था। एंड मुझे याद है कि जब फर्स्ट डे ये बहुत वायरल हुआ था ना, तो बहुत सारे ऐसे लोगों ने उसको, एंड आई एम ग्लैड कि मैं जितने लोगों को फॉलो करती हूँ उनमें से एक ने भी वो वीडियो शेयर नहीं किया था। मुझे कैसे देखने में मिला, मेरा जो पर्सनल अकाउंट है उसमें 2-3 ऐसे पेज हैं, उससे मुझे पता चला कि ऐसा कुछ चल रहा है। एंड देन उसके बाद मैंने और विक्की ने बैठ करके देखा एंड विक्की ने तो तभी बोल दिया कि ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है अपने सेंटेंस को, समथिंग इज फिशी, शी इज़ नॉट स्पीकिंग द ट्रुथ। ठीक है, और हम लोगों को समझ में आ गया था, बट आई वॉज लाइक लेट सी कि क्या होता है। तब तक उसमें 1 करोड़ व्यूज ऑलरेडी आ चुके थे एक रात में, 24 घंटे के अंदर अंदर, तो मतलब वो खतरनाक लेवल में वायरल हुआ है वो वीडियो। एंड लास्ट में क्या निकला, सारा ट्रुथ सामने आ गया, किसने किस तरह से वो छोटे गरीब इंसान की धज्जियाँ उड़ाई है। पहली चीज़ तो यही सबसे बड़ा इनह्यूमन है कि हाउ कैन यू एक्सपेक्ट अ फ्री डिलीवरी फ्रॉम अ गाय, मतलब जो चीज़ बहुत आराम से सॉर्ट आउट हो सकती है, तुम्हारे नाक पे लग गई है, तुम्हें खून आ रहा है, तुम खून में पहले वीडियो बनाओगे कि गाइस दिस हैपेंड, कि तुम पहले जाकर के अपने पेरेंट्स को कॉल करोगे या हॉस्पिटल जाओगे या क्या करोगे, मतलब। और एंड सबसे बड़ी गलती हम एज अ ऑडियंस हम सब की है, मैंने भी ये चीज़ पास्ट में कभी ना कभी तो किया ही होगा कि मैंने बिना जाने कोई स्टोरी दूसरे साइड की स्टोरी सुने वो शायद शेयर कर दिया होगा ये सोच करके कि हाँ ये सच बोल रहा है। बहुत सिंपल सी चीज़ है कि आप उसको मोबाइल पे भी सॉर्ट कर सकते हो, रैदर देन शेयरिंग इट ऑन स्टेटस, रैदर देन अपडेटिंग योर स्टेटस, रैदर देन अपडेटिंग एवरीथिंग ऑन यूट्यूब, रैदर देन अपडेटिंग एवरीथिंग ऑन योर स्टोरीज। सपोज 2 लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, उस एक बंदे ने बिना सोचे समझे, बिना उसको कॉल पे सॉर्ट आउट करे, पट्टे से आकर के कहीं पर भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे आकर के अपडेट कर दिया, और हम लोग क्या सोचते हैं, हाँ ये बंदा सच कह रहा है, इसने आकर के अपडेट किया, हाँ ये बंदा सच कह रहा है, दूसरे की स्टोरी भी नहीं सुनते हैं, दूसरा वाला जो बंदा हो सकता है जबकि वो ही सही हो, है ना, लेकिन हम क्या करते हैं, जिसने विक्टिम कार्ड प्ले कर लिया उसको ही सही मानने लगते हैं। सो एज अ ऑडियंस वी शुड चेंज इट, है ना, वी शुड नॉट डू दिस। इतना इम्पल्सिवली दोनों साइड की स्टोरी जाने बिना कभी भी किसी के ऊपर वर्डिक्ट मत दीजिए, इधर वो लड़की लड़की झगड़ रहे हो, आपका फेवरेट क्रिएटर और आप शायद जिसको फॉलो नहीं करते हो वो झगड़ रहे हो, या आपका मम्मी या आपकी कोई मौसी झगड़ रहे हो, आपका जो भी कोई भी किसी में भी प्रॉब्लम्स मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही हो, नेवर वर्डिक्ट और नेवर यू नो पास अ जजमेंट विदाउट नोइंग द स्टोरी ऑफ बोथ द साइड्स, नेवर डू दिस। उस बंदे के लिए मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है एंड आई एम सो ग्लैड कि उसके लिए इतने सारे लोग सब एकजुट के सामने आए हैं, तो इट्स गुड। एंड अब भाई अब तो ये सब होने के बाद ना, ये कांड होने के बाद तो मुझे ऐसा लगने लग गया है, मैंने बोला ना, मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, वट एवर यू आर सीइंग ऑन इंटरनेट डजंट मीन कि हर चीज़ सच हो, 95% ऑफ पीपल ऑन इंटरनेट शोज फेक थिंग्स, नाउ यू हैव टू डिसाइड कि क्या बोलूँ मैं। अब बहुत सारी चीज़ें बोलना चाहती हूँ एग्जाम्पल के साथ, बट वो एग्जाम्पल्स मैं दे नहीं सकती हूँ, सो डू नॉट जज पीपल सो क्विकली। मैं तो वैसी हो गई हूँ कि अब मैं कुछ भी शेयर करने से पहले ना, इस तरह का कुछ भी होगा तो मैं लिटरली 5 दिन सोचूंगी, हो सकता है 5 दिन में वो मैटर ही ठंडा हो जाए, बट लिटरली 5 से 4-5 दिन सोचूंगी ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है हमको नहीं पता आज के टाइम पे। तो बस यही है, इसी नोट पर आज का जो वीडियो है ना वो खत्म करते हैं, और मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो। आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।